हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एसे रिवीजन सेशन। आज हम लोग रिवाइज करेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल सा एसे, जो एसे 260 है, एसे 260। ओके, यस, एसे 260 क्या कहता है कि कम्युनिकेट करो। यस, हमारे घर पे क्या बोलते हैं हमारे घर पे, ओके, यस, देयर इज अ वेरी फेमस टर्मिनोलॉजी इन मराठी, साठी लागली म्हणजे वय झाले। ओके, यस, सॉरी टू टेक यू टू अ वर्नाक्युलर लैंग्वेज, बट इन हिंदी ये कहा जाता है कि जिनकी उम्र ज्यादा उनका तजुर्बा ज्यादा, बराबर है ना। सो 260 हमको क्या लेके जाता है कि इस 60 साल की उम्र के लोगों का तजुर्बा ज्यादा है। जरूरी तो वैसे है ही, बट हमारे कंपनी में जो भी TCWG है ना, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इनका भी तजुर्बा बहुत ज्यादा है, तो हम उनके पास कब जाए और कौन सी डिफिकल्टीज लेके जाए, ये हमको बताया है ऐसे 260 में। ऐसे 260 में, ओके, यस, कम ऑन, यस, देन कम्युनिकेशन with those charged with governance, TCWG, those charged with governance are also known as TCWG. Now, कई बार अपने दिमाग में ये सवाल आता है कि जब कि TCWG, तो क्या मैनेजमेंट और TCWG एक ही है? क्या मैनेजमेंट और TCWG एक ही है? आज हम समझेंगे कि ये क्या ये एक है, और अगर एक नहीं है तो इनमें differences क्या है, okay? ये आज हम समझेंगे, okay? Yes, तो ये तो मैं आपको बताऊंगी कि TCWG के साथ कम्युनिकेट कौन से मैटर्स पे करना है, किस प्रकार से करना है, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये सब तो मैं बताऊंगी, पर इसको समझने से पहले हमको मैनेजमेंट और TCWG में जो फर्क है वो समझना पड़ेगा, ओके, यस। और ये पूरा स्टैंडर्ड समझने के बाद, जैसे कि हमारा हमेशा का प्रैक्टिस है, हम क्या करने वाले हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ऐसा लगा होगा कि आपको कंटेंट मिला है थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा और अच्छा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द पर्टिकुलर वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि अगली बार हम आपके लिए कुछ भी नया लेके आए, यू आर द फर्स्ट वन टू गेट इट, ओके, यस, कम ऑन। तो समझते हैं कि मैनेजमेंट और TCWG में, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में फर्क क्या है। अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या है कि डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन पे देखो, ओके, जो भी डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं उनको एक्शंस में लाने का काम किसका है, मैनेजमेंट का, ओके, पर अगर हम तो उनकी बात करें, तजुर्बे वाले लोगों की बात करें, तो वो काम करवा के लेने में नहीं, डिसीजंस लेने में ज्यादा बिलीव करते हैं। सो दीज आर द पीपल हु लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, डायरेक्शन प्लस लीडरशिप प्लस कंट्रोल, डायरेक्शन प्लस लीडरशिप प्लस कंट्रोल में बिलीव करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट और गवर्नेंस को हम एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। गवर्नेंस डिसीजन लेता है और गवर्नेंस के डिसीजन के बेस पे मैनेजमेंट एक्शंस करता है, डे टू डे एक्टिविटीज करता है, ओके, यस। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अलग अलग लेवल्स जनरेट होते हैं, देन देयर कम्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, ओके। नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव दीज टू डिफरेंट लेवल्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस के हिस्से में मैनेजमेंट इज ओनली TCWG, वही मैनेजमेंट डिसीजन भी लेती है और काम भी करा के लेती है, बट देर आर अ फ्यू कंपनीज जहां पे डिसीजन लेने वाले लोग अलग होते हैं एंड काम करवा के लेने वाले लोग अलग होते हैं। सो देर आर टू लेवल्स विच आर प्रेजेंट, दैट इज अ गवर्नेंस लेवल ऑफ TCWG एंड अ मैनेजरियल लेवल ऑल्सो, ओके, यस। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि वेयर एंड हाउ दिस गवर्नेंस लेवल एंड दिस मैनेजमेंट लेवल इज डिफरेंट। मानो कि टाटा ग्रुप, ओके, टाटा ग्रुप, अब टाटा ग्रुप के तो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, टाटा स्काई, स्टारबक्स, टाटा सॉल्ट, देन टाटा टी प्रीमियम, बराबर है ना, तनिष्क, राइट, फास्ट ट्रैक, देन लैंड रोवर, टाटा मोटर्स, मतलब वो नमक में भी है, एंटरटेनमेंट में भी है, घड़ियों में भी है, राइट, राइट, देन दे आर इवन इन तनिष्क ज्वेलरी में भी है, डायमंड्स में भी है, मोटर्स में भी है, बराबर है ना। सो इतना वर्सटाइल उनका नेचर है पूरा टाटा ग्रुप का, ओके, द टाटा ग्रुप हैज सो मेनी व्हाट, डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस,
बराबर है ओके। तो अब इन अलग अलग कंपनीज का खुद का क्या है, इन अलग अलग कंपनीज को काम तो करना पड़ता है, उनकी एक्टिविटीज करना पड़ता है, बराबर है ना। सो इनके खुद के क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हु इज द मैनेजमेंट एंड हु टेक्स केयर ऑफ द वर्किंग ऑफ दीज कंपनीज, बराबर है ना। यस ओके ठीक है, बहुत सिंपल, यहां तक समझना बहुत ईजी था। अब समझो, अब अगर टाटा ग्रुप ने डिसाइड कर लिया, इसे फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई हमको स्टारबक्स कॉफी नहीं चलाना ओके, हमको स्टारबक्स कॉफी नहीं चलाना, हमको इसको रिप्लेस करना है, हमको इसको बंद करना है, हमको कोई नया नई चीज लेके आनी है, राइट राइट। तो अब ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेंगे ये जो इंपॉर्टेंट लोग टाटा ग्रुप में बैठे हैं, यू अंडरस्टैंड, ये जो इंपॉर्टेंट लोग टाटा ग्रुप में बैठे हैं, ये लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर वी हैव टू कंटिन्यू विद द बिजनेस और नॉट। So these are the people who are going to take the decisions and hence these are known as TCWG. बराबर है, स्टारबक्स वाले को क्या करना है, सिर्फ उसका बिजनेस अच्छे से चलाना है, प्रॉफिटेबल है क्या नहीं देखना है, जो भी आपको यू नो कॉम्प्लायंसेस है वो आपको करना है, बराबर है। पर स्टारबक्स चलाना या नहीं चलाना ये स्टारबक्स वाले नहीं डिसाइड कर सकते, ये उसका मैनेजमेंट नहीं डिसाइड कर सकता, ये सिर्फ टाटा ग्रुप वाले ही डिसाइड कर सकते हैं। सो द गवर्नेंस, द पीपल दोज चार्ज विद गवर्नेंस कैन डिसाइड what should be the further strategic decision of the company. Do you understand? Yes. So this is the difference between governance and management. Okay. Yes. Now, मानो कि expert professional academy private limited. बराबर है? हमको पता है इनके तीन wings हैं सबसे important, right? विनोद रेड्डी सर, सुशील भंडारी सर, प्रशांत सारणा सर. बराबर है ना? Okay. Yes. अब मुझे बताओ इस expert professional academy private limited के decisions कौन लेता है? ये तीनों लेते हैं, राइट। देन इसका फॉलोअप कौन लेता है? ये तीनों लेते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, आर देयर टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट? जी नहीं, यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट क्या है, दोनों ही सेम है। मैनेजमेंट इज द बॉस, तो उसको ही माना जाएगा टीसीडब्ल्यूजी। ओके, सो जो अल्टीमेट बॉस है उसको कहा जाता है टीसीडब्ल्यूजी। ओके, यस। अब एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी अंडरस्टैंड। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नेंस वाले हैं वो रोज रोज आकर बैठेंगे ऑफिस में, नहीं, राइट। रोज रोज एज एन ऑडिटर, मानो कि आप ऑडिटर हो, आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जाते हो, तो आपका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मैनेजमेंट के साथ होता है, बराबर है ना। गवर्नेंस वालों के साथ भी इंटरेक्शन होता है, बट इट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इसेंशियली टेक अ सर्टन स्टेप्स वेर इन यू कम्युनिकेट टू TCWG। ओके, ये जो 260 है ना बच्चों, ओके, ये जो 260 है, इट इज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन, इट इज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। अंडरस्टैंड कि अगर एक ऑडिटर है तो उसको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या मैं जिसका ऑडिट कर रहा हूँ क्या वहां पर TCWG है। अगर है ओके, अगर है, इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट कम्युनिकेट द मैटर्स टू TCWG एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द मैनेजमेंट। अगर उनका कोई सब ग्रुप होगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर अगर अंडरस्टैंड TCWG और मैनेजमेंट दोनों एक ही है, इन दैट केस आपको अलग अलग बार, मतलब जैसे कि हमने एक्सपर्ट प्रोफेशनल अकेडमी में देखा कि TCWG और मैनेजमेंट दोनों एक ही है, तो उनको दो दो बार रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार रिपोर्टिंग कर दिया तो भी बहुत है, एक बार कम्युनिकेट कर दिया तो भी बहुत है। पर अगर अलग अलग लेवल्स पे है ओके, इन दैट केस आपको पहले TCWG को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पर अगर TCWG है ही नहीं, इन दैट केस मैनेजमेंट इज द बॉस, तो आपको किसको कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट। यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। नाउ सबसे अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑडिटर को TCWG के साथ कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है। सी अंडरस्टैंड, इट इज द ऑडिटर हु इज गोइंग टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज द ऑडिटर्स ओपिनियन जिसपे पूरी दुनिया भरोसा रखने वाली है, ऑल द यूजर्स आर गोइंग टू रिलाई। ओके, यस। तो ये ऐसे 260 ने क्या बताया है कि ऑडिटर ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको कम्युनिकेट करो जो बिजनेस को राह दिखाते हैं, राइट, जो बिजनेस को राह दिखाते हैं, ओके, जो बिजनेस का गवर्नेंस करते हैं, जो बिजनेस के मेन डिसीजंस लेते हैं, उनको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। क्या कम्युनिकेट करना जरूरी है? व्हाई ऑडिटर हैज टू कम्युनिकेट? क्योंकि ऑडिटर हैज टू क्लियरली कम्युनिकेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द TCWG। सी अंडरस्टैंड,
कई बार क्या होता है ना, ऑडिटर है तो ऑडिटर देख लेंगे हमारी क्या जिम्मेदारी उसमें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इफ ऑडिटर इज देयर, ऑडिटर हैज हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर हैज हिज ओन ऑब्जेक्टिव्स, दैट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और TCWG ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उनको उनके काम ठीक से करना है. ऑडिटर सिर्फ TCWG को जाके बोलेगा मेरा काम है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन करते वक्त, अगर मुझे ऑडिट करते वक्त अगर मुझे ऐसा लगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त अगर मुझे ऐसा लगा, यू नो इफ आई स्मेल अ रैट और मुझे ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला है, इन दैट केस आई विल गो इन डिटेल. पर अगर आपके किसी मैनेजमेंट के लोग या कोई टॉप पर्सन किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है और वो छुपाया जा रहा है, तो उसको अनअर्थ करना अगर मेरे काम के बीच में ना आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है. इसलिए आप कान आंख सब कुछ खोल के अपने बिजनेस के डिसीजन लेना, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू कम्युनिकेट द TCWG व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैं जो ऑडिट करूंगा उसके ऑडिट प्रोसीजर्स किस प्रकार से परफॉर्म करूंगा, व्हाट वुड बी द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, यस, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जब भी मैं आपके पास आऊंगा आप मुझे वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ओके, यस, देन मेरे नज़र में भी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में लाना ज़रूरी है, आई विल बी कम्युनिकेटिंग दो सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस एंड देर हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ऑडिटर ऑडिट आपके फॉर्म पे कर रहा है, आप उसके गवर्नेंस हो, आप उसके TCWG हो, आप उसके डिसीजंस ले रहे हो. इससे बहुत जरूरी है आपको पता चले कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए व्हाट आर द NTE ऑफ ऑडिट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, राइट. मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको देना है और मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट. तो इट इज गोइंग टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन, गेटिंग इट. ओके, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसे कि हमको व्हाई डू यू हैव टू कम्युनिकेट विद TCWG. अगर एग्जाम में इस पर शॉर्ट नोट बनता ही है, कई बार बनता है कि what are the objectives of SA 260, why should the auditor communicate with TCWG. अब why communicate करना है ये तो देख लिया, अब how to communicate ये देखेंगे. What is the way, how are you going to communicate, how will the auditor communicate the TCWG. Okay, understand, मानो कि there is TCWG. Okay, auditor है, management है. Okay, अब SA 260 क्या बोलता है कि auditor you have to communicate with the TCWG. पर अगर auditor ने communicate कर दिया तो क्या मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी से रिलीव हो गई? नहीं. जो जो चीज़ें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है वो चीज़ें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी ही पड़ेगी, नो प्रॉब्लम. ओके, यस यस. तो ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों की क्या क्या अपनी अपनी TCWG के साथ कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारियां हैं. बट अगर TCWG खुद ही, अगर TCWG पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या वो खुद ही किसी इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व है, ओके, ऐसा अगर कहीं से भी डाउट होगा, तो क्या ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा? नहीं. तो लॉ क्या बोलता है, इन दैट केस यू डू नॉट हैव टू कम्युनिकेट विद द TCWG. फिर आपको TCWG के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. तो हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, इट शुड बी रिटन और इट शुड बी ओरल. कम ऑन, यू टेल मी. यस, रिटन या ओरल? ओरल कई हुई बातें सब भूल जाते हैं, देयरफॉर इट शुड बी इन अ रिटन फॉर्म. ओके, देन व्हाट शुड बी द टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम ऑन, यस, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर एक ही दिन इतनी सारी बातें लेके आया. नो, कोई भी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन उसके नजर में आए तो उसकी जिम्मेदारी है दैट ही वॉक्स टू TCWG एंड अप्रोचेस इट, राइट, कम्युनिकेट्स इट टू हिम. सो ऑन टाइमली बेसिस ऑडिटर हैज टू कम्युनिकेट विद द TCWG. ओके, यस, एंड एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन. एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब अगर ऑडिटर ने कोई चीज़ें पूछी और उनका जवाब अगर एडिक्वेट था, अगर सेटिस्फैक्ट्री था तो ओके. पर अगर उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, बच्चों, इन दैट केस ऑडिटर हैज टू बी वेरी 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 केयरफुल. व्हाई? बिकॉज ऑडिटर हैज टू असेस. फिर क्या हुआ, अगर वो अपने सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है देर इज अ सर्टन रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. ऐसा कुछ है कि TCWG हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है,
इन दैट केस यू हैव टू असेस कि कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है क्या. ओके, जो ऑडिट एविडेंस हमने टीसीडब्ल्यूटी से इकट्ठा किया है, मतलब पिछले जो भी कम्युनिकेशंस हमने टीसीडब्ल्यूटी के साथ किया है. ओके, अगर किए हैं तो क्या हम उन पे रिलाय कर सकते हैं, क्या वो भरोसेमंद है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. सो यू हैव टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ एई विद टीसीडब्ल्यूजी. तो हमने देखा कि व्हाई यू हैव टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, हाउ टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी. ठीक है, ओके. अब कम्युनिकेट करना है ये हम समझ चुके हैं, नो प्रॉब्लम. अब क्या कम्युनिकेट करना है, व्हाई समझ लिया, हाउ समझ लिया. अब देखते हैं व्हाट टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, व्हाट आर द डिफरेंट मैटर्स व्हिच ऑडिटर नीड्स टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये बताना जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है एज एन ऑडिटर. व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम अपना ऑडिट कैसे करने वाले हैं, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे होंगे, व्हाट वुड बी द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. और हमारा काम करते करते हमारे ध्यान में जो भी सिग्निफिकेंट चीजें आएंगी वो भी हम आपको कम्युनिकेट करेंगे. ओके, मतलब शुरुआत कहाँ से, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, वहां से हम शुरू करेंगे. राइट, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे उसका हम आपको प्रायर इन्फॉर्म करेंगे. बराबर है? और इन ऑडिट प्रोसीजर्स करते वक्त हमको जो भी हमारे रास्ते में नई नई चीजें हमारे सामने आएगी उन चीजों को भी हम आपको इलिमिनेट करेंगे. ओके, यस. देन अगर हम ऑडिटर्स, अब हम हर एक चीज डिटेल में देखेंगे. तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेल मी व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर इज टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन एफएस व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो एफएस बनाएगी उस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देंगे. ओके, यस. और ऑडिटर है, ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों से रिलीव हो गया. टीसीडब्ल्यूजी आपको भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी. ओके, यस. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. देन ऑडिट प्रोसीजर्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट. ऑडिट प्रोसीजर्स करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज एज एन ऑडिटर हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है. बराबर है ना? हमको देखना है कि इनका सिस्टम स्ट्रांग है कि वीक है. बराबर है ना? अगर इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग रहा इसका मतलब ऑडिट रिस्क कम है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक रहा इसका मतलब है रिस्क ज्यादा है. बराबर है ना? सो अगर रिस्क ज्यादा है तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट रिस्क्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड, ये भी हमारा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आई देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड. ओके, यस, समझो इस चीज को कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जस्ट वन मिनट. यस, ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंटरनल कंट्रोल बेहद ही स्ट्रॉन्ग हो. बराबर है ना? अगर इंटरनल कंट्रोल ही आपका डेफिशिएंट है, इसका मतलब है अगर आपका फंक्शनिंग ही फुल प्रूफ नहीं है, इन दैट केस आपको कोई नहीं बचा सकता. वाई? बिकॉज अगर अंदर से ही आप खोखले हो, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अंदर से ही वीक हो, इन दैट केस उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत लोग कर सकते हैं. सो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. सी, इंटरनल कंट्रोल में कुछ थोड़ी मोटी छोटी मोटी डेफिशिएंसी होना ही अलग बात है, बट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होना इट कैन बी अ लॉट प्रॉब्लम टेकिंग. राइट, सो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होगी तो उस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को ऑडिटर हैज टू कम्युनिकेट दैट विद टीसीडब्ल्यूजी. देन सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, अगर आपके, सी अंडरस्टैंड, आप ऑडिटर हो, एज एन ऑडिटर यू हैव टू ऑडिट व्हाट द एफएस प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट ने जब भी एफएस बनाए हैं तो एफएस बनाते वक्त उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज ली है. बराबर है ना? तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑडिटर ने इन प्लेस करी है. ओके, सी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने व्हाट करी है, मैनेजमेंट हैज अडॉप्टेड इट व्हाइल प्रिपेयरिंग एफएस, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो प्रॉपर है. अगर वो प्रॉपर नहीं है, इन दैट केस
ऑडिटर हैज टू इन्फॉर्म दैट टू TCWG. ओके, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किया है दे शुड बी रिलायबल. उनका बेसिस जो है उनका नो दे शुड बी व्हाट दे शुड बी प्रॉपर एंड दे शुड बी रिलायबल, राइट? ओके, देन उसके बाद जो भी अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स किए हैं वो ठीक से किए हैं क्या, एज पर FRF है क्या, ये भी ऑडिटर को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. देन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग AE, मतलब अगर ऑडिटर को कोई भी प्रकार का ऑडिट एविडेंस लेना है, ओके, एक डॉक्यूमेंट मांगने के लिए अगर 10 बार उनको मैनेजमेंट को अप्रोच करना पड़े, मीन्स मैनेजमेंट इज हेजिटेंट टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस, मतलब अगेन ऑडिटर को लगा कि दाल में कुछ भी काला है, इन दैट केस ही हैज टू कम्युनिकेट द सेम विद TCWG. देन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ AR. अगर हम ऐसे 206 का फिर से रिवीजन करेंगे ही, पर जैसे हमने डिटेल क्लास में देखा था इफ यू रिमेंबर, तो ऐसे 706 में बोला है कि अगर आपको एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ अगर ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट कम्युनिकेट विद TCWG. And then you can incorporate it in audit report. तो ऐसे कोई भी circumstances होंगे, EOM, OM para, अगर आपको AR में डालना है, audit report में डालना है, in that case you have to first communicate it with TCWG. इतना ही नहीं, अगर going concern से related, if there is any sign which is affecting the going concern of the organization, in that case you have to first what? You have to first assess it with TCWG. Okay? Yes, getting it? ओके, ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चाहती हूँ कि जो एग्जाम में पूछने की जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हाई है. ओके, देयर इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली फॉर लिस्टेड एंटिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, कि अगर आपकी एंटिटी लिस्टेड है, इन दैट केस दे रिक्वायर अ स्पेशल स्टेटमेंट. उनको एक स्पेशल स्टेटमेंट लगता है, और वो स्पेशल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, यस, उनको एक स्पेशल स्टेटमेंट की जरूरत लगती है, और वो स्पेशल स्टेटमेंट में उनका स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है, कि एंगेजमेंट टीम अदर्स इन फर्म या नेटवर्क फर्म्स हैव कॉम्प्लाइड विद इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस. मतलब हमको उनको भरोसा देना पड़ता है कि हमारी जो एंगेजमेंट टीम है ऐसे 220, अगर आपको याद होगा, कंफ्यूजन है तो प्लीज ऐसे 220 का वीडियो जरूर देखिएगा. ओके, तो जो भी इथिकल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने कॉम्प्लाई किया है क्या, वेदर यू हैव रीजनेबल रिलेशनशिप्स विद ऑडिटर. ओके, मतलब क्या, ये जो लिस्टेड एंटिटी है इसका रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए ऑडिटर से. जो भी फीस चार्ज कर रहा है ये क्लाइंट, ओके, फॉर ऑडिट एंड ऑडिट सर्विसेज दे शुड बी रीजनेबल, राइट? अगर कोई थ्रेट्स है तो उसके सेफगार्ड्स आपने एप्लीकेबल किया है. ओके, यस, सो यू नीड टू स्पेशली मेंशन दिस स्टेटमेंट, ओके, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज. गेटिंग इट? ओके, यस, सो दिस इज ऑल ऐसे 260 इन डिटेल. कई चीजें, कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज मिसिंग, बट दिस इज अ वेरी 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 न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. इस पे यू नो केस स्टडीज भी बहुत सारी पूछी जा सकती है. Okay, now let's quickly go to essay 260 in detail and see कि आपने हमने पूरा कवरेज किया है क्या. तो ऐसे 260 में क्लियरली उन्होंने बताया है कि what is the scope of essay, कि वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हमको कैसे करना है. ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया है. रोल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने देख लिया है कि what to communicate, why to communicate, how to communicate. Okay, yes, these are all the points, matters to be communicated, क्या क्या होना चाहिए. ओके, एंड ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस मैं जो बहुत बता रही थी कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट. ओके, यस, यस, तो सबसे पहले तो यस ऑडिट रिपोर्ट में तो होना चाहिए, सबसे पहले ऑडिटर ऑल्सो हैज टू कम्युनिकेट इट विद TCWG. इस स्टेटमेंट को ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है TCWG को. ओके, कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी होंगे, इन दैट केस TCWG ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, उनके साथ आपको बोलना है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके क्लाइंट के साथ, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, वो रीजनेबल है क्या, आप जो भी फीस ले रहे हो वो रीजनेबल है क्या. ओके, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट एसे 260. ओके, यस, यस, नाउ लेट्स क्विकली गो टू द क्वेश्चंस ऑफ ऐसे 260. जैसे कि आपको पता है मैंने क्वेश्चनर बनाया है. ये क्वेश्चनर की खासियत क्या है, कि ये क्वेश्चनर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है?
दो पार्ट्स इस प्रकार के कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो एसे वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको और आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, सो दैट यू नो आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए, आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस मिल जाए। कई बार ना ऑडिट में स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम हम लिखते क्या है ये हमको समझ नहीं आता, राइट? सो इन दैट केस दिस क्वेश्चन है विल एब्सोल्युटली हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ओके? यस, तो देखते हैं ऐसे 260 पे यहाँ पे कौन से प्रकार के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटर्स शुड कम्युनिकेट ऑडिट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ एन एंटिटी। मतलब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि ऑडिटर शुड कम्युनिकेट ऑडिट मैटर्स ऑफ गवर्नेंस इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे दे आर स्पीकिंग अबाउट कम्युनिकेशन विद TCWG। तो हाँ, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, सब कुछ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 260, मतलब व्हाई टू कम्युनिकेट विद TCWG, हाउ टू कम्युनिकेट एंड मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद TCWG, ओके? यस, अगला सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्टर्स गवर्निंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब उनका क्या कहना है कि ऐसे 260 में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पर इस कम्युनिकेशन को करना कैसे है, व्हाई टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट अगेन एंड मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ओके? यस, देन स्टेट द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, स्टेट द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ऑडिट विद रेफरेंस टू ऐसे 260। मतलब ऐसे 260 को पूरा करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट कम्युनिकेशन विद TCWG करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, ओके? सी अंडरस्टैंड, TCWG के साथ हम जाएंगे तो उसके पहले अपने पास प्रूफ होना चाहिए, ओके? प्रूफ हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट से कलेक्ट करेंगे, तो मैनेजमेंट को हम बार बार बोल रहे हैं, ओके? मैनेजमेंट को पता है कि इस चीज़ में मेरी गलती हो गई है और ऑडिटर मुझे उसी चीज़ पे बार 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 उसी चीज़ के डिटेल्स मांग रहा है, तो ऑडिटर वुड तो मैनेजमेंट वुड हेजिटेट टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। और अगर मैनेजमेंट हेजिटेंट है आपको इन्फॉर्मेशन देने में, मतलब दाल में कुछ काला। अंडरस्टैंडिंग टेकिंग सिग्निफिकेंट डिलेज इन मैनेजमेंट, अननेसेसरली ब्रीफ टाइम, ओके? यस, देन एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की पड़ रही है एक ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, हमको बार 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 एफर्ट लेने की जरूरत पड़ रही है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, अगर रिस्ट्रिक्शंस, अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप, मैनेजमेंट ने हमको कुछ दिया है, मतलब मैनेजमेंट बोलती है कि आप इस डेटर से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं ले सकते, आप हमारे इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी लिमिटेशन अगर मैनेजमेंट ऑडिटर पे इम्पोज करती है, इन दैट केस this is a difficulty which is created, hindrance which is created under SA 260, okay? Yes, so these are the type of questions. So agar aapne is essay ko theek se revise kar liya, agar aapne is video ko theek se dekh liya, in that case aapka sara ke sara essay 260 pura detailed tarike se revise hona bahut zaruri hai, kyunki hum sirf revision mein believe nahi karte, hum detailed revision mein believe karte hain, isliye to hum jo log jo cheez 10 minute mein ho sakte hai us pe hum 30 minute kyu de rahe hain, because हमको सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, हमको डिटेल रिवाइज करना है, सो दैट वी कैन एक्चुअली गो टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड राइट इन एन इलेबोरेट मैनर, ओके? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ओके? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द फर्दर अपडेशंस एंड द न्यूअर वीडियोज विच विल बी कमिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।